नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लग्न के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए अगस्त 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक कर्क राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद ये आपके 11th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 12 जुलाई से 25 अगस्त 2024 तक वृषभ राशि में और इस आपके 8th हाउस में और इसके बाद ये आपके 26 अगस्त से आपके 9th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 19 जुलाई से 21 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में आपके 11th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे और रेट्रोगेट होकर के ये 21 तारीख के बाद आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये 5 अगस्त से रेट्रोगेट हो जाएंगे 29 अगस्त 2024 तक। अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए यहाँ पर ही रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 24 तारीख के बाद ये आपके 12th हाउस में कन्या राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 139 डेज के लिए यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहने वाले हैं। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 3 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 3 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर 7-8-9 किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए 24 अगस्त 2024 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको फीमेल फैशनेबल चीज़ों से बहुत नेम फेम और सपोर्ट मिलने के चांसेस यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, लग्जरी की चीज़ों को उपभोग आप करेंगे, आनंद का समय रहने वाला है। 24 तारीख के बाद अपने कुछ धन को आप किसी फैशनेबल फीमेल लग्जरियस चीज़ के लिए खर्च करेंगे, आनंद का समय रहेगा, परंतु कुछ धन आपका किसी प्रकार से खर्च होने वाला है खर्चे के लिए। और अगर आप फौरन जाना चाहते हैं तो फौरन जाने के लिए यहाँ आपका धन खर्च होता दिखाई देगा। स्थितियाँ अच्छी बनेंगी, परंतु स्थितियाँ अच्छी बनने के बाद भी आपको अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना है, लाभ नहीं रहेगा। पर्सनैलिटी वाइज बात की जाए तो 24 अगस्त 2024 के बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी का थोड़ा ध्यान रखना है, किसी प्रकार से भी कोई अनैतिक कार्य ना करें जिसमें फंसने से आपका नेम फेम खराब होने की संभावना बनती है, उससे बचकर रहा जाए। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में और 9th हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है और राहु ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ 7-8-9-10 और शनि ग्रह का एस्पेक्ट मिलता है। देखिए इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको अपनी वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखना है। मंत्र उच्चारण इत्यादि भजन कीर्तन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं वाणी से रिलेटेड या आँख नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। घर परिवार में एक शांतिप्रिय माहौल बनाकर रखने का प्रयास करें, भजन कीर्तन करें, पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें तो लाभ प्राप्त होगा, तभी आपको धन की प्राप्ति के योग भी मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपने धन को किसी प्रकार से दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में धन आपकी तरफ आएगा तो अवश्य, परंतु कुछ मात्रा में डिले होकर के आएगा, कुछ डिले होकर के धन आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला रहेगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए ये जो समय है इस समय में आपको यात्राएं करने से बचना चाहिए। अगर आपको कोई यात्रा करनी है, अपने सिबलिंग्स पड़ोसियों के साथ कोई यात्रा करनी है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उनमें आपको नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त हो पाएगा और अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड शनिग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में है और फोर्थ हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह और बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, चीज़ों की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। और इस समय में विशेष तौर से आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, धार्मिक आयोजन होना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अच्छी रहेगी, उनसे धन लाभ की जैसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं।
इसके बाद बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि फिफ्थ हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और फिफ्थ हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता दिखाई देता है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जाता है। तो देखिए शनि ग्रह इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा अधिक मात्रा में एजुकेशन के ऊपर हार्डवर्क करने के लिए कह रहे हैं कि इस समय में थोड़ा सा हार्डवर्क अधिक किया जाए। अगर इस समय में आप अपनी एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, तो आपको एजुकेशन के अंदर अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके असर ये समय अवधि विशेष तौर से देखिए संतान को कंसीव कराने के लिए तो बेहतर नहीं है, परंतु इस समय में किसी डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आप संतान को भी कंसीव करा पाएंगे, ऐसी स्थिति मिलती हुई दिखाई देती है। ये समय अवधि जो 139 डेज का समय चल रहा है जिसमें कि शनि ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में है, इस समय अवधि में आप कुछ कार्यों को की पुनरावर्ति करेंगे। पुनरावर्ति से मतलब यह है कि कुछ कार्यों को रिपीटेशन में आप दोबारा से दोहराएंगे। हो सकता है अगर आपका पिछले समय में घर लेने का कोई सपना था नहीं ले पाए तो उसे आप इस समय में परचेज कर सकते हैं। कोई व्हीकल परचेज करना चाहते थे नहीं कर पाए तो इस समय अवधि में आपको उन्हें परचेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी, उन चीज़ों से लाभ की अवस्था मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस में राहु ग्रह का गोचर, सिक्स हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट और सिक्स हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का भी एस्पेक्ट प्राप्त होगा और सिक्स हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके एट्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय अवधि जो है इस समय में लोन ऋण इत्यादि से आपको बचना चाहिए। अगर ले लेंगे तो फंस जाएंगे उसमें, फिर काफ़ी लंबे समय अवधि तक आपको लोन पे करना पड़ जाए। एनिमी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा इस बात की गारंटी है, क्योंकि इस समय प्लेनेट आपके फेवर में है। एनिमी से आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई हानि होती नहीं दिखाई देती है, परंतु अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उन कार्यों में आप देखेंगे 24 तारीख के बाद का समय, 24 तारीख का ये पूरा महीना ही आप देखें आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। उसमें अगर आप मैटर को शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना चाहें तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देती है। अपने एडवोकेट से, अपने लॉयर से कंसल्ट करें और उनसे कोई बीच का रास्ता निकलवाएं कि आप इस परेशानी से परमानेंटली फ्री हो जाएं। ऐसा अगर आप चाहें तो ऐसा उपाय करवा सकते हैं, करने से निकल जाएगा रास्ता और आप कोर्ट कचहरी इत्यादि से फ्री हो जाएंगे और आप अपने जीवन को खुशहाल तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके सेवंथ हाउस के विषय में। सेवंथ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके एट्थ और नाइन्थ हाउस में गोचर करेंगे और सेवंथ हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए ये समय अवधि विशेष तौर से स्पाउस की वाणी की बात की जाए तो स्पाउस की वाणी 25 अगस्त तक थोड़ी सी स्टिक रहने वाली है। उसकी वाणी को थोड़ा सा आप मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो आप तुला लगन वाले हैं, लिब्रा हैं, साइन आपका तुला होता है तो जल्दी ही चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, परंतु ये समय अवधि अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, कुछ चलचल संपत्ति या भूमि इत्यादि से रिलेटेड, वाहन इत्यादि से रिलेटेड कोई लाभ इस समय मिलने वाला है, पिछले समय में नहीं मिल पाया था, तो इस समय अवधि में आप उन चीज़ों का लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि का थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपको अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हो जाएगा, परंतु ये समय अवधि आपको इन सब चीज़ों से लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके एट्थ हाउस के विषय में। एट्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, एट्थ हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, जो कि मंगल ग्रह आपके 25 तारीख के बाद आगे चले जाएंगे नाइन्थ हाउस में और एट्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए ये समय नहीं, केतु ग्रह का एस्पेक्ट आता है। देखिए ये समय अवधि जो है इस समय में आप देखेंगे कि आपके कुटुंब के सदस्य, आपके स्पाउस के परिवार वाले थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि सही डिसीजन ना लेने वाली स्थिति में रहेंगे या उनका मन बहुत अधिक चंचल रहने वाला है, विचलित स्थिति में रहने वाला है। अगर वे आपसे एडवाइस लेते हैं तो आप उन्हें एडवाइस दे करके, गाइडेंस करके, उनसे सही राह पर उन्हें चला करके या सही राह दिखला करके अपना भी लाभ कर सकते हैं, उनके जीवन में भी खुशहाली लाने का कार्य कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए समय बेहतर है। जो व्यक्ति साइंटिस्ट हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए भी समय बेहतर है। उन व्यक्तियों को भी इस समय में लाभ मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके नाइन्थ हाउस के विषय में। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके इलेवेंथ और ट्वेल्थ हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और आपके इलेवेंथ हाउस करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर मंगल ग्रह आ जाएंगे। मंगल ग्रह 25 तारीख के बाद यहाँ पर गोचर करेंगे और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड की ट्रैवल करना चाहते हैं, तो देखिए यात्रा ज़्यादा बेहतर तो रहेगी नहीं। अगर थोड़े समय के लिए यात्रा करना चाहते हैं या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं या टूर ट्रैवल का आपका कार्य है, तो थोड़े समय बाद अपने लैंड पर, नेटिव प्लेस पर वापस आने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। या अगर आपको कोई स्थान परिवर्तन होता है तो उस पर दोबारा वापस आपको आने की संभावना यह मिलती हुई दिखाई देगी। धर्म कर्म के रिलेटेड कार्यों के अंदर रुचि जागृत होगी, धार्मिक कार्यों करने से लाभ होगा, धार्मिक
रहने से लाभ होगा, सरकारी व्यक्तियों द्वारा आपको सपोर्ट प्रदान किया जाना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके टेंथ हाउस के विषय में। टेंथ हाउस में सूर्य ग्रह का गोचर, बुध ग्रह का गोचर हो जाएगा और टेंथ हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में आप अपने सभी कार्यों को, सरकारी कार्य हों, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य हों, उन्हें सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके करने का प्रयास करेंगे, अपने व्यापार में उन्नति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और प्राप्त कर भी पाएंगे। राजनीतिक लोग या जो पॉलिटिशियन हैं उनके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में भाषण देना थोड़ा सा कम कर दें, भाषण कम दें, सोच समझ करके भाषण देंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय में जो आप बोलें, जो शब्द आप बोल रहे हैं, उन शब्दों के अंदर, उन शब्दों के अंदर धर्म की अधिकता होनी चाहिए, धार्मिक शब्द बोलने चाहिए, तो उसका अधिक पब्लिक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और पब्लिक आपके फेवर में आती हुई दिखाई देगी। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो इस समय में आप सभी प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको अपॉर्चुनिटी अचानक से प्राप्त होगी, आपका प्रमोशन हो जाए, आपके व्यापार व्यवसाय में आपको उन्नति प्राप्त हो, इन सब चीज़ों के लिए अच्छे साइन यहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके इलेवंथ हाउस के विषय में। इलेवंथ हाउस में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह का गोचर, जो कि बुध ग्रह रेट्रोगेट है, और सूर्य जो कि इसके लॉर्ड अपने आप यहाँ पर आ रहे हैं, इनका लाभ यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। 1, 2, 3, 4 और आप देखेंगे 25 अगस्त तक आपको मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। तो 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का समय मित्रों से, सरकार से, सिबलिंग्स से, इन सब लोगों से आपको लाभ दिलाने वाली स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। इस समय में आप फीमेल फैशनेबल चीज़ों से, लग्जरी की चीज़ों से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर करते हैं, कोई मान लीजिए आपका मित्र आपसे कोई ऋण इत्यादि लेता है, कोई लोन लेता है, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के लाभ प्राप्त हो पाएगा, तभी नेम फेम की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करते हैं आपके ट्वेल्थ हाउस के विषय में। ट्वेल्थ हाउस में केतु ग्रह का गोचर, ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके इलेवंथ और टेंथ हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, ट्वेल्थ हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। इस समय अवधि में देखिए आपको पिछले समय में जो धन किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर जा रहा था वो तो काफ़ी मात्रा में कंट्रोल हुआ है, उसमें तो रिलीफ हुआ है, और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, उनसे आप धन लाभ नेम फेम प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देंगे और आप काफ़ी एनर्जेटिक रह करके इन कार्यों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं, अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 अगस्त का समय, 1-2 अगस्त का समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेहतर है इस चीज़ का, इन डेट का प्रयोग कर लिया जाए। 3-4 अगस्त का समय, देखिए 3-4 अगस्त का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है, बिजनेस में व्यापार में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतर है। नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड भी कर सकते हैं। 5, 6, 7 अगस्त का समय, 6, 7, 8, 9 अगस्त का समय, ये जो समय है ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। देखिए इस समय में आपके पास धन आए, किसी प्रकार से खर्च हो करके आए या आकर के खर्च हो, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। धन आएगा अवश्य, मित्रों का लाभ भी प्राप्त होगा, हो सकता है कोई मित्र आपको धन दिलवाए और फिर धन ले भी ले, या कोई मित्र धन लेकर के धन वापस आपको कर दे, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल इत्यादि पर भी धन कुछ मात्रा में खर्च होता दिखाई देता है, या फिर आप फॉरेन लैंड पर जाने में, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ धन या फीमेल इत्यादि के लिए धन यहाँ पर खर्च करके आनंद और लाभ का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके बाद 10, 11, 12 अगस्त का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने लग्जरियस चीज़ों का उपभोग करेंगे, जो भी आपके पास लग्जरी चीज़ें हैं उनका उपभोग करके आनंद प्राप्त करेंगे। 13-14 अगस्त का समय, देखिए 13-14 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, अच्छे पारिवारिक सुख होना, वाणी का थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ और पारिवारिक सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 15-16 अगस्त का समय, देखिए 15-16 अगस्त का समय, 15-16 अगस्त का समय जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन्हें मार्केट में जाना इस दिन काफ़ी लाभदायी रहेगा और इस समय में नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पड़ोसी और सिबलिंग्स के माध्यम से भी कुछ लाभ मिलना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 17-18 अगस्त का समय, देखिए 17-18 अगस्त का समय, एक तो आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन घर में कोई मांगलिक कार्य होना, वाहन इत्यादि परचेज करना चाहते हैं इस दिन कर सकते हैं, घर लेना चाहते हैं, घर का रिनोवेशन करना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर है। माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर बना हुआ है, इस समय का लाभ उठा सकते हैं। 19-20 अगस्त का समय, देखिए 19-20 अगस्त का समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क तो अधिक रहेगा परंतु सफलता मिलने के योग मिलते दिखाई देते हैं। संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय बेहतर है परंतु डॉक्टर या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 21-22 अगस्त का समय, देखिए 21-22 अगस्त का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका खर्चा होना है और अपनी हेल्थ के लिए या अपने परिवार के सदस्य की हेल्थ के लिए आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। लोन इत्यादि लिया है, लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। लीगल मैटर चल रहा है तो उसे इस दिन आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं,
शॉर्ट आउट करने के लिए ये डेट बहुत अच्छी है। इस दिन अगर शॉर्ट आउट कर देते हैं तो आप लीगल मैटर से फ्री हो जाएंगे और अपने जीवन को खुशहाली से व्यतीत कर पाएंगे। इसके बाद 23-24 अगस्त का समय, देखिए 23-24 अगस्त का समय जो व्यक्ति मैरिड है हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख इस समय मिलता दिखाई देगा, और जो व्यक्ति मैरिड नहीं है वे अपने अपने पार्टनर अपने फ्रेंड्स इत्यादि के साथ आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे और छोटी दूरी की यात्रा भी करेंगे। होटल मॉल रेस्टोरेंट मार्केट इत्यादि में जाने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यापार जगत में आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। 25-26-27 अगस्त का समय, देखिए 25-26-27 अगस्त का समय, ये समय आपके लिए, इसमें से 25-26 अगस्त का समय आपके लिए थोड़ा परेशान देने वाला है। मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, ऑब्स्टेकल आ सकते हैं कार्यों के अंदर, पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों में थोड़ा ऑब्स्टेकल परेशानी के बाद आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 28-29 अगस्त का समय, ये समय आपको अगेन अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है अपने ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर के साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है। अपने स्पाउस के साथ आप फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है। 30 अगस्त का समय, ये समय आपके लिए 30 अगस्त का समय, इस समय में आप जॉब इत्यादि से रिलेटेड अगर कोई प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये था तुला लग्न के लिए अगस्त 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो बनाने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।